तो हे गाइस, वेलकम टू मोधुस वर्ल्ड। तो आज मैं मेरी बैग को थोड़ा बहुत सेट कर रही हूँ, सेट तो नहीं बोल सकते, मैं मेरी प्रोडक्ट के अंदर से चूज कर रही हूँ जो जो प्रोडक्ट मुझे वॉश करना है, जो जो चीज़ें वॉशेबल है। तो इधर तो सारा कुछ सामान नहीं है, थोड़ी सी अमाउंट है मेकअप की, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा दूँगी और आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी दिखा दूँगी। ये वाला डिब्बा है जिसमें मैं टीशू, ईयर मतलब कॉटन बर्ड्स ये सब रखती हूँ, क्योंकि ये सब अलग में रहेगी तो काम के टाइम ईजी हो जाएगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर और जो बोल में ब्लेंडर भिगाती हूँ वो सब ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन करना है। इसलिए थोड़ी बहुत जिसमें ये सब है, बहुत सारी सामान निकाल के मैं ये चीज़ें अलग कर रही हूँ, क्योंकि वॉश कर रही हूँ। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होती है मेकअप के लिए, इसलिए मैं ब्रश वगैरह, ब्यूटी ब्लेंडर, पफ वो सब ढूंढ रही हूँ, मुझे क्लीन करना है। तो देख सकते हैं आप भी जब भी पैक होना, एक पानी का बॉटल आपके साथ जरूर होना चाहिए, छोटी सी पानी का बॉटल हो फिर भी चलेगी। कि देख सकते हैं मेरे छोटी सी पानी की बॉटल है, और ये डिब्बा में मैं क्लिप रखती हूँ, कभी कभी एक्सटेंशन बोर्ड ले जाती हूँ क्योंकि मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मैं हेयर की क्रीम पर वगैरह जो कैरी करती हूँ। ये छोटा सा पानी का बॉटल आपको इसलिए रखना है वो बता देती हूँ, क्योंकि आपको ब्यूटी ब्लेंडर भिगाना होती है तो आप किससे पानी मांगे। तो इसलिए आपके पास जो जो चाहिए सामान आपके पास रहना चाहिए, आप जाके क्लाइंट के घर में ना बोले मुझे पानी दे दो तो आपके पास रहना चाहिए। इसलिए मैं अपनी सेफ साइड के लिए पानी के बोतल रखती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारी सामान है जो गिर रही है, क्योंकि कुछ भी एडजस्ट करके नहीं रखा, ऐसे तैसे रखा हुआ है। तो मैं थोड़ी बहुत सामान को निकाल रही हूँ। एक दिन मैं सोचा एक वीडियो बनाऊँगी जब मैं सारी सामान एक साथ ला के एक वीडियो शूट करूँगी, ज़रूर, पता नहीं कब करूँगी, बट फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है सारा सामान निकाल के वीडियो करना। तो जितना ही आसपास है और जितना से मुझे काम है उतना ही सामान मैंने निकाला है, जितना हो सके मैं दिखा रही हूँ। अगर इसमें कोई प्रोडक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं, देख के आपको लग रहा है ये क्या प्रोडक्ट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो मैं हर एक बैग में हर एक तरह की प्रोडक्ट रखती हूँ। एक बैग में मैं बेस वगैरह, पाउडर वगैरह रखती हूँ, एक बैग में सिर्फ लिपस्टिक रखती हूँ, एक बार में हेयर की एक्सेसरीज रखती हूँ। ऐसे करके मैं अलग अलग बैग चूज़ कर लेती हूँ, मेरे लिए ईजी हो जाती है। ये डिब्बा में मैं टिशू, हर तरह की टिशू रखती हूँ ऐसे ही, और ये बोल और ब्लेंडर ये सब मुझे वॉश करना है, इसलिए मैं इतना सामान निकाला है, क्योंकि आप अगर अच्छे से चीज़ें वॉश नहीं करेंगे ना, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आप भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरी तरह काम कर रहे हो, तो आप भी ज़रूर हाइजीन मेंटेन करके रखना। और अब मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी प्रोडक्ट एक साथ एडजस्ट करना है। मैं एडजस्ट करने के बाद आपको दिखा दूँगी मैंने कैसे एडजस्ट किया है। आप चाहे तो आप भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करके रखें जो काम के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आपके हाथ में आ जाए। तो मैं कुछ ऐसे करती हूँ। एक पैक में बेस, मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ें बहुत थोड़ी बहुत लगती है वो अलग कर देती हूँ। एक पैक में लिपस्टिक, काजल ये सब अलग कर देती हूँ, ये सब नेक्स्ट टाइम में लगती है बेस के बाद। उसके बाद एक पैक पे मैं हेयर एक्सेसरीज जो होती है, क्लिप, सेक्शन क्लिप वगैरह रखती हूँ। एक डिब्बा पे मैं सिर्फ बॉबी क्लिप, यू पिन रखती हूँ। उसके बाद कोम, 4-5 जो कोम होती है वो अलग से रखती हूँ, और शैडो पैलेट वगैरह वो अलग से रखती हूँ। इससे क्या होती है, ईजी हो जाती है, आपको जब सामान चाहिए आपको मालूम होती है एक डिब्बा में ही मिलेगी। तो आप भी अगर ऐसे कुछ काम करते हैं ना, तो अलग अलग सेक्शन करके रखिए, आपको कितना इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं थोड़ी बहुत अपनी प्रोडक्ट मैनेज कर चुकी हूँ, और पक्का प्रॉमिस एक दिन मैं पूरी प्रोडक्ट लेके बैठूँगी और सबके बारे में बोलूँगी। आज की प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ भी डिटेल्स नहीं बताया। अगर आपको थोड़ी बहुत पूछना है और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सामान देख के आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। अभी मैं अपना बैग थोड़ी बहुत समेट लेती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें वॉश करनी है। आज की वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।